किसान आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा मंगलवार को एक बार फिर चर्चाओं में है। इस मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। लखीमपुर खीरी कांड में नया मोड़ आ गया है। SIT ने अपनी जांच में पाया है कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी। SIT ने अब आरोपियों पर लगाई गई धाराएं भी बदल दी है। केंद्रीय गृह राज्य अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपियों पर अब गैर इरादतन हत्या की जगह हत्या का केस चलेगा। आशीष मिश्रा पर जांच अधिकारी ने हत्या के प्रयास की धारा 307, खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने की धारा 326 समेत कई अन्य सीरियस धाराएं लगाने की अनुमति मांगी है। SIT की जांच के बाद विपक्ष ने एक बार फिर से सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा कि सरकार ने तो अब तक मंत्री को उनके पद से हटाया तक नहीं है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा, न्यायालय की फटकार व सत्याग्रह के चलते अब पुलिस का भी कहना है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे ने साजिश करके किसानों को कुचला था। जांच होनी चाहिए कि इस साजिश में गृह राज्य मंत्री की क्या भूमिका थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, किसान विरोधी मानसिकता के चलते आपने तो उन्हें पद से भी नहीं हटाया है। वहीं इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, SIT की जांच में पाया गया कि गृह राज्य मंत्री टेनी के बेटे ने जानबूझकर पूर्व से सुनियोजित योजना के तहत किसानों को कुचला। कुछ तो शर्म करो। समाजवादी पार्टी भी इस हिंसा के बाद से बढ़ चढ़कर आगे आकर योगी सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। अब इस जांच के बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी केंद्र और योगी सरकार पर उंगलियां उठाई हैं। उन्होंने कहा, अब लखीमपुर प्रकरण पर जांच करने वाली SIT बोल रही है, हत्या मोनू ने की है, जानबूझकर की है, सोच समझ कर की है और पूरे होश में की है। अब भी अगर सरकार उन्हें मंत्री की कुर्सी पर बैठाए रखना चाहती है तो फिर किसान परिवारों का वोट भूल जाए। अब जनता का बुलडोजर जनता की जीप चलेगी। बता दें कि इसी साल 3 अक्टूबर को यूपी में लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में 4 किसानों को एक SUV कार से कुचल दिया गया था। इस हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी। आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जीप से किसानों को कुचला गया था, जिसमें वो भी मौजूद थे। घटना के बाद हुई हिंसा में 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस पूरे मामले में 8 लोगों की जान गई थी। इस मामले के बाद से ही विपक्ष लगातार केंद्र सरकार और योगी सरकार पर हमलावर रही है। आई एम रिपोर्ट।